हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज सन ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि वेदर यहाँ का बहुत ही स्मोकी है। आपने सुना ही होगा कि अल्बर्टा में वाइल्ड फायर्स कितने होते हैं, सो वाइल्ड फायर के वजह से आज यहाँ पे देखो वार्निंग भी आई है वेदर के इस तरफ से कि यहाँ का वेदर आज अच्छा नहीं है। सो हम चले हैं वॉलमार्ट ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। वीकली शॉपिंग के लिए जाते हैं और बाय वॉक है हमारे घर से वॉलमार्ट। सो हम बाय वॉक स्ट्रॉलर में शनै को बिठा के लेके जाते हैं और वॉक की साइन आ गई है तो भागो वरना नहीं पहुंच पाएंगे सड़क के उस पार। सो वॉलमार्ट पहुंच गए हैं और ये ले ली है हमने चेरीज। फ्रूट से शुरुआत करते हैं, चेरीज के बाद नंबर लगता है टोमेटो का। इंडिया भेज दूँ थोड़े टोमेटोस, प्राइस देख के तो आपको यही लग रहा होगा। यहाँ ऐसे ये चमचमाते इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ ऑयल किए होते हैं टोमेटोस। फ्रेश होते हैं, अच्छे होते हैं, बट ऑयल वाले होते हैं। खुद ही हमने नाप तोल लिए थे हमने कि हमें 2 LBs के अराउंड चाहिए थे। एंड ये है छोटी वाली रेडिश, सो ये भी हमने कार्ट में ले ली है। वो रखा था रंबूटान जो एक एग्जॉटिक फ्रूट है और यहाँ आज फर्स्ट टाइम दिखा इसलिए वो भी ले लिया। और इसके बाद है एग प्लांट, सर्दी हो या गर्मी हमेशा खाओ ये एग प्लांट, ऐसा वाला सीन है यहाँ पे। और फिर हमने ये लॉन्ग स्क्वैश, इसे बॉटल गार्ड भी कहते हैं, गुजराती पे दूधी भी कहते हैं, तो हांडवो नाम तो सुना होगा, ये बनाने के लिए ले ली है दूधी। और फिर है बनानास, तो ये प्राइस के साथ इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे रील्स में मैंने देखा है कि यहाँ के वॉलमार्ट में शॉपिंग करते हैं बच्चे और दिखाते हैं प्राइजेस। सो और आपको आइडिया भी लग जाएगा कि क्या प्राइस होती है यहाँ पे। और ये फ्रोज़न वेजिटेबल्स लिए हैं, ये हैं दही जो 3% वाला है फुल फैट, और ये मिल्क जो अराउंड 3.25% इसका फैट न्यूट्रिशन वैल्यू होता है। और बिल कर लिया है, हो गया है बिल, शॉपिंग डन, गोइंग होम। और घर आते ही पहली एक्साइटमेंट थी कि रंबूटान टेस्ट करे कैसा होगा, और मैंने और शनै दोनों ने ये टेस्ट किया और इसका टेस्ट मेजॉरिटी लाइक लीची टाइप का था, अच्छा था। बाली का फ्रूट है वैसे, ये बाली में टेस्ट किया था हमने इसको पहले। और फिर ये सब्जी में बन रही थी आलू, दम आलू, तो इसके लिए मैंने पहले थोड़े से ऑयल में बॉइल्ड पोटैटोज को फ्राई कर लिया। और क्योंकि शॉपिंग पे गए थे लेट हो गया था इसलिए ये जो रेडीमेड कुकिंग पेस्ट है इसको दही में मिला के मैंने बनाया, लेकिन बहुत ही खट्टा बना था, बाप रे। और फिर इसकी रील बनाई थी मैंने कि इसकी ये जो जुल्फे हैं ये जब हम इंडिया जाएंगे तो कटेंगी तो मुझे बड़ा दुख होगा, तो इसकी अभी अभी मैंने इंस्टाग्राम पे रील रखी थी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी। मुझे इसके सॉफ्ट और ये बेबी हेयर्स बहुत पसंद है, तो बड़ा दुख होगा जब इसके ये सारे बाल कट जाएंगे। और अब हमारी ड्यूटी लगी है पोस्ट चेक करने जाने की, तो 1:30 अराउंड आती है कनाडा पोस्ट की कार जो सारी पोस्ट रख के जाती है, तो हम आ गए हैं पोस्ट चेक करने। और ये जो रेड है यहाँ पे, हाँ आप ये रेड पार्ट में अपना मेल डाल सकते हैं जो वो लोग कलेक्ट करके लेके जाते हैं। सो पोस्ट चेक कर ली है, ले ली है पोस्ट। और यहाँ जो बड़ी वाली पोस्ट होती है उसके लिए की मिलती है, तो उससे आप बड़ी वाली पोस्ट नीचे वाले बॉक्स से निकाल सकते हैं। और फिर हम लोग शाम को गेम जोन आए थे जो इंडोर प्लेग्राउंड था, यहाँ पे अराउंड अनलिमिटेड टाइम के लिए $11 का चार्ज होता है। सो यहाँ इसके पीछे पीछे मैं भी इसके टनल में और हर जगह जहाँ पे भी ये जा रहा था उसके पीछे पीछे फॉलो कर रही थी उसे, मज़ा आ गया खेलने का। और फिर बाहर आने के बाद मैंने ये कैप्चर किया था कि बाहर से इसका लुक कैसा है, तो अच्छा लगता है यहाँ, पीस ऑफ माइंड लगता है। सो फिर हम लोग घर आ गए थे
और क्योंकि हम डैडी को बहुत मिस कर रहे हैं और डैडी का ऑफ़िस का टाइम होता है रात को 10 o'clock, तो हमने भी हमारी ऑफ़िस खोल ली थी और हम सब सिरी को कमांड दे रहे थे, लैपटॉप में टाइपिंग कर रहे थे। सो बस इसी के साथ एंड करते हैं ये व्लॉग। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।